गजेंद्र सिंह जी बाबू साहब, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आपके सामने सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, जिस समय राजस्थान के सभी मंत्री और विधायकों ने जोधपुर में प्रचार के लिए लाइन लगा रखी थी और मुख्यमंत्री जी के बोलने के बावजूद कि आप जोधपुर जाइए प्रचार कीजिए, इसके बावजूद कि 2013 में वैभव जी हमारे चुनाव प्रचारों में आए थे, हमारे लिए वोट मांग के गए थे, इन चीजों का नजरअंदाज रखते हुए दादा जोधपुर नहीं आए, भंवर जितेंद्र सिंह जी के प्रचार में अलवर गए थे। मैंने जब पूछा जब आप जोधपुर क्यों नहीं जा रहे, तो उनका जवाब मुझे ये था कि नंबर एक भंवर जितेंद्र सिंह जी मेरे अजीज दोस्त हैं, और रही बात जोधपुर की कि तो गुड्डा गौड़ जी और गुड्डा मेहरोली एक परिवार है, हम राव शिका के वंशज हैं और गजेंद्र सिंह जी तेरे बाबू से लगते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो मेरे मन में एक भाव आया आपके प्रति सम्मान का, और जब मुझे ये पता चला कि दादा आपके माता जी के देहांत हो गया और दादी सर का देहांत हो गया और उसमें बैठने के लिए जा रहे, तो मैंने उनको कहा मैं भी सोच लूंगा शायद आपकी याद नहीं होगा, जब आप यहाँ पधारे तो आपने स्टेटमेंट दिया कि ये बिना पहने के लूटे हैं, तब जिस जाट महासभा को खुश करने के लिए आपने स्टेटमेंट दिया, जिन लोगों से हमारी फाइट है वहां पर उनको खुश करने के लिए जो आपने स्टेटमेंट दिया, आप उनसे एक बार पूछिए कि वो सुमित्रा सिंह जी को बिना पहने के लौटा कह देंगे क्या। सुमित्रा सिंह जी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं, आप शेखावाटी की धरती पर पैदा तो है पर आपको शेखावाटी की राजनीतिक भौगोलिकता का पता नहीं है मेरे हिसाब से। सुमित्रा सिंह जी कांग्रेस से कई बार एमएलए रही, परिस्थितियां बदली, फिर लोकदल में गए, लोकदल से एमएलए बनी, फिर परिस्थितियां 1990 में बदलती है, वे जनता दल में जाती है, वहां से एमएलए बनती है और भैरव सिंह जी की सरकार में ऊर्जा मंत्री बनती है, फिर 2003 के अंदर बीजेपी सरकार में विधानसभा स्पीकर बनती है, फिर जब समय वापस यू टर्न मारता है तो फिर कांग्रेस में विलय होता है। श्री राम जी ओला जाने माने किसान नेता, आज के समय भी उनको लोग उनके उनके तात्पर्य लोग उदाहरण देते हैं कि श्री राम जी ऐसे थे, हम भी सुनते हैं। कांग्रेस में कई बार मंत्री रहे, उसके बाद में कांग्रेस का दामन छोड़ तिवारी कांग्रेस का हाथ थामा, जिसमें देवगौड़ा की केंद्रीय सरकार के अंदर, केंद्र में जब सरकार थी उसमें सेंट्रल मिनिस्टर बने, फिर इंडिपेंडेंट एमपी बने, फिर कांग्रेस में उनका आगमन हुआ, मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में वो मंत्री रहे। ऐसे 20 उदाहरण मैं आपको सीकर के दे सकता हूं, ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको शेखावाटी के दे सकता हूं। जब भी शेखावाटी से जुड़े किसी जननायक ने पार्टी विशेष को छोड़ने का या फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो वो अपने तो उनकी जनता के हित के लिए, उनके लोगों के हित के लिए, उनके लोगों के विकास के लिए ये फैसले किए, और इन फैसलों का साथ हमेशा उनकी जनता ने उनका दिया है। आज उसी का परिणाम ये है कि उन लोगों को हम याद करते हैं, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मैं आपके बारे में जानकारी कर रहा था तब मुझे पता चला बाबू साहब कि आपका जन्म 1967 में हुआ और आप 55 साल के हैं, और तब मुझे एहसास हुआ कि आपने आपकी जिंदगी के जो कागजों में आपने 55 साल की जो आयु आपने दिखा रखी है, आपने आपकी जिंदगी के 55 साल व्यर्थ कर दिए, वो वेस्ट हो गए, और मैं अपने आपको आभारी मानता हूं एक 17 साल का लड़का, मैं 12वीं का छात्र हूं और मैं आपको ये राजनीतिक ज्ञान दे रहा हूं आपके गृह जिले और आपके गृह शेखावाटी के बारे में। अब आगे बेटे हैं, मैं वहां का बेटा हूं और एक 17 साल का लड़का आपको ये ज्ञान दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आपके जो राजनीतिक करियर 2 बार के सांसद,
केंद्र में मंत्री, आपको मुझे ज्ञान देना पड़ रहा है। आपको तो राजनीतिक सब, आपके तो जो जिंदगी के जो वर्ष आपने जो बिताए हैं व्यर्थ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर से आप आए, जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर से आप आते हैं, उसमें 5 लाख से ज्यादा राजपूत मतदाता है। और भला हो उन भोले वाले लोगों का, उन सीधे लोगों का, कि आपके जैसे व्यक्तित्व को जिसे ये नहीं पता, जिन्हें बाबू साहब आपको ये नहीं पता कि आपके शेखावाटी की राजनीतिक व्यक्तित्व क्या है, आपकी शेखावाटी की राजनीति क्या है, आपको इसका एक तजुर्बा नहीं है, उन्हें वो सांसद बनाते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जिस दिन को राजपूत आपके सामने खड़ा हो गया जोधपुर से, तो राजनीति करने वाले लोग आपको ढूंढते रह जाएंगे कि गजेंद्र सिंह जी भी हुआ करते थे, गजेंद्र सिंह सांसद हुआ करते थे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2008 की बात है, हमारे बारे में थोड़ा सा राजनीतिक ज्ञान देना चाह रहा हूं, मतदाता के बारे में। शायद आपको नहीं होगा, कांग्रेस की टिकट से हमारे सामने राजपूत कैंडिडेट था, देश की महामहिम प्रतिभाजी पाटिल उस वक्त, उस समय 3-3 बार हेलीकॉप्टर से आकर और उनका प्रचार करके चले गए। 3-3 बार देश के राष्ट्रपति आकर उनका प्रचार करके चले गए, और उस चुनाव को हमने जीता था, हमने। मैं आजकल सुनता हूं कि आप मुख्यमंत्री की दौड़ में, मेरे दाता तो नहीं है, आपके और हमारी लड़ाई क्या थी? आप मुख्यमंत्री की दौड़ में है साहब, मेरे दाता नहीं, आपके और हमारा, आपके और हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन एक छोटा सा ज्ञान और देना चाह रहा हूं आपको कि मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ता है। पर ये आपको एक निमंत्रण है साहब, बाबू साहब, आपको एक निमंत्रण है कि आप शेखावाटी के अंदर 21 सीटें, जुनू सिकर सुनो 21 सीटें, इनमें से 3 शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व, बाकी बची 18 सीटें जनरल की। आप इनमें से कहीं से भी आगे चुनाव लड़के बताओ, और मजा तो तब आएगा जब आप मेरी उदयपुर वाटी से हमारे सामने चुनाव लड़ोगे, और अगर आप जीत गए तो सदा सदा के लिए ये राजनीति छोड़ देंगे, सदा सदा के लिए। खाती को छोलेड़ो और भाई को बोलेड़ो, अलग आवाज़ लगा दे, अलग।